हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो अभी क्वाड्रिलेटर के बारे में तो आपको पता ही है, तो उसके पहले हम सीख रहे हैं पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन क्या है, चलो वो हम समझते हैं अभी। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है कि पॉली एंड गॉन्स। पॉली दैट मीन्स मैनी, गॉन्स मतलब हम इसको अभी हम नाम देंगे साइड्स या तो वर्टाइजेस। ओके, तो पॉलीगॉन का मतलब हुआ मैनी साइड्स और मैनी वर्टाइजेस, मोर देन टू। तो हम अगर स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें ये तीन वर्टाइज है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। वैसे चार साइड होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर, पांच होगी तो उसको बोलेंगे हम पेंटागॉन। ओके, दिस वे पॉलीगॉन को हम क्लासिफाई करते हैं। तो मान लो कि नंबर ऑफ साइड हमारे पास है थ्री, या तो थ्री वर्टाइज है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। क्या बोलेंगे हम? ट्राइंगल। और इसकी ये सिंपल सी फिगर बना दी हमने। मान लो कि चार साइड हो या तो चार वर्टाइज हो, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। ओके, ये इसकी एक सिंपल सी फिगर है। मान लो कि पांच साइड हो या तो पांच वर्टाइज हो, इसको हम बोलेंगे पेंटागॉन। इसको हम बोलेंगे पेंटागॉन। पेंटागॉन मतलब के पांच साइड। तो ये हो गई पांच साइड। सिक्स साइड या तो सिक्स वर्टाइज हो, इसको हम बोलेंगे हेक्सागॉन। क्या बोलेंगे हम उसको? हेक्सागॉन मतलब कि उसमें हमारे पास छह साइड या तो छह वर्टाइज होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6, और वर्टाइज देखे तो भी हमारे पास सिक्स वर्टाइज ही है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन्स। इसके बाद आएगा हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन। ओके, बहुत सारे ऐसे क्वाड्रिलेटर आ सकते हैं। ओके, पॉलीगॉन आ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे डायगोनल्स की। तो डायगोनल किसको बोलते हैं? जैसे कि हमने बताया कि हमारा पॉलीगॉन होता है वो स्टार्ट होता है ट्राइंगल से। स्टार्ट कहाँ से होता है? ट्राइंगल। बट ट्राइंगल में अगर हम चाहे तो भी कोई डायगोनल नहीं बना सकते, क्योंकि डायगोनल बनाने के लिए हमें दो वर्टाइजेस को ज्वाइन करना पड़ता है। बट दो एडजेसेंट वर्टाइज नहीं होनी चाहिए, दो एडजेसेंट वर्टाइजेस नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे तो हर कोई दूसरा एक दूसरे का एडजेसेंट है, इसीलिए ट्राइंगल में डायगोनल नहीं बनते। पर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो ए बी सी डी है, तो ए के एडजेसेंट है बी और डी, तो मतलब एक से हम बी और डी को तो नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो साइड हो जाएगी, तो इसको सी के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया डायगोनल। सिमिलरली अगर बी को हम पकड़ते हैं तो ये बी डी हो गया हमारा डायगोनल। मान लो कि हमारे पास पेंटागोनल है, तो मान लो कि ये हमारा पॉइंट ए है, तो मैंने अभी बताया जैसे उसको हमें एडजेसेंट पॉइंट पे नहीं ज्वाइन करना है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे दो हुए, फिर ये वाले पॉइंट को भी पकड़ते हैं तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर अगर हम इसको सी पॉइंट को पकड़ते तो सी से ए और यहाँ पे, बट एक तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है इसीलिए हमें सिर्फ एक ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये सारे हमारे बन रहे हैं डायगोनल। अभी क्वाड्रिलेटर या पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को हम डिवाइड करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है? तो पहले हम कॉनकेव के बारे में बता दें। फिगर बहुत सारी बना देते हैं, जैसे कि ये जो है वो हो गया हमारा कॉनकेव, जिसमें ये एक एंगल होता है, एक वर्टाइज है, वो अंदर के साइड होती है। अगर मान लो कि हम दूसरा बना रहे कोई, ये रहा, तो ये हमारा दूसरा कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा कॉनकेव। तो इन सब में जो होता है कोई एक एंगल अंदर की साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स मतलब जैसे कि ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, तो इसमें सारे जो एंगल होते हैं वो बाहर के साइड होते हैं। बट उसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें, तो जिसके डायगोनल अंदर के साइड हो, इनसाइड हो,
वो कॉन्वेक्स, और जिसका एक भी डायगोनल बाहर के साइड हो, एक्सटीरियर होता है, तो समझ लेना है कि वो हमारा कॉनकेव पॉलीगोन हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं ये दो वर्टाइज को ज्वाइन करके एक डायगोनल बना रहा हूँ, तो ये जो डायगोनल मिला वो बाहर के साइड मिला, एक्सटीरियर मिला। मान लो इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये भी एक्सटीरियर डायगोनल मिला, अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी एक्सटीरियर मिला। तो जिसका एक भी डायगोनल बाहर के साइड रहता है, एक्सटीरियर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगोन। और कॉन्वेक्स में हमारा एक भी डायगोनल बाहर के साइड नहीं होता, सारे इंटीरियर होते हैं। तो अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे, तो ये दो डायगोनल हमने ज्वाइन किया, वो दोनों इंटीरियर, यहाँ पे भी हम ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो सारे मिलेंगे हमें, ये सारे अंदर के साइड रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगोन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगोन। तो रेगुलर और इरेगुलर किसको बोलते हैं? रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल हो, जिसकी सारी साइड इक्वल हो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगोन। और एक भी साइड इक्वल ना हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि भी एक भी साइड, चार है आपके पास और उसमें से तीन अनइक्वल है, तीन इक्वल है और एक अनइक्वल है, तो भी ये हमारा इरेगुलर पॉलीगोन हो जाएगा। जैसे अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, तो मान लो ये कोई एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है, ये स्क्वायर है, उसकी चारों साइड इक्वल है, तो साइड तो इक्वल होने चाहिए, साथ में साथ ये अंदर वाले एंगल जो बनते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तो रेगुलर पॉलीगोन होता है। तो रेगुलर पॉलीगोन में स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, साइड्स और एंगल, सारे एंगल एंड सारी साइड्स इक्वल होने चाहिए। बाकी इरेगुलर में ऐसे नहीं होता है। जैसे कि अगर ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ये 90 है, ये दोनों साइड मान लो कि इक्वल है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। ओके, मान लो कि क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी चारों साइड इक्वल नहीं है, तो ये जो सारे पॉलीगॉन्स हो गए वो हो गए हमारे इरेगुलर पॉलीगॉन्स, और ये वाले जो पॉलीगॉन्स है वो है हमारे रेगुलर पॉलीगॉन्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी हम बात करेंगे, इंटीरियर एंगल्स के लिए एंड एक्सटीरियर एंगल्स के लिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। चलो तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक फॉर्मूला है, n माइनस टू इंटू 180। ये फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे हम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल के लिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज n माइनस टू इंटू 180, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर इंटीरियर एंगल। मान लो कि हम ट्राई करते हैं ट्राइंगल से, तो वी नो दैट कि भी ट्राइंगल है तो उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1 इंटू 180 यानी कि 180 हो जाएगा। मान लो कि क्वाड्रिलेटर है एग्जांपल के तौर पर, तो क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ साइड 4 होती है, तो यहाँ पे हम n के बदले क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि उसमें 4 साइड्स होती है, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360। ओके, नाउ पेंटागोनल। चलो तो पेंटागोनल में कितनी साइड्स होती है, 5, तो यहाँ पे हम 4 के बदले रखेंगे 5, मतलब कि n के बदले रखा हमने 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, तो आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पता चल जाएंगे। ओके, तो याद रखना फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180। दूसरा जो है वो एक्सटीरियर, तो इसमें स्टूडेंट एक मजे की बात है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें मैं लिख रहा हूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। मतलब कि ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो। मान लो कि मैं यहाँ पे ट्राइंगल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लो ये ट्राइंगल है, तो इसके 3 एक्सटीरियर हो जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। चलो मान लो कि क्वाड्रिलेटर में मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, तो आपको पता है रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 होते हैं, ये तो इंटीरियर थे, तो इसके एक्सटीरियर भी ये 90, ये वाला 90,
ये वाला 90 और ये वाला, तो चारों 90 यानी अगेन 360। इन शॉर्ट सारे एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 रहता है, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, बट इंटीरियर के लिए अलग अलग पॉलीगॉन के लिए सम अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सारी बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने समझा दी है आपको। नाउ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम। यहाँ पे काफी फिगर दी हुई है हमें और उसको हमें क्लासिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उसमें हमें क्लासिफाई करना है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन कौन होते हैं, जैसे कि ये वाला है हमारा फर्स्ट वाला, सेकंड है वो सिंपल है, थर्ड सिंपल नहीं है क्योंकि उसमें डबल सर्कल है, फोर्थ भी सिंपल नहीं है, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये जो सारे है वो हो गए हमारे सिंपल कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लोज यानी कि वो फिगर क्लोज होनी चाहिए। तो ये सारी फिगर आप देखेंगे 1, 2, वो सिंपल तो ही है प्लस वो क्लोज भी है, इसीलिए यही वाला आंसर आएगा 1, 2, 5, 6, 7। नेक्स्ट है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के बारे में तो हमने अभी सीखा। तो यहाँ पे कौन से पॉलीगॉन है, सिर्फ दो ही फिगर है पॉलीगॉन वाली, 1 और 2। फिर फोर्थ में है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हमने आपको समझाया था कि जहां पे डायगोनल ज्वाइन करें, मान लो कि यहाँ पे मैं दो डायगोनल ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये दोनों डायगोनल अंदर के साइड है। तो डायगोनल जब अंदर के साइड होती है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। बट इसकी जब हम डायगोनल ज्वाइन करेंगे, ये वाली डायगोनल बाहर आ गई, एक्सटीरियर आ गए, दैट मींस ये हो गया हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, तो फोर्थ नंबर में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन आएगा, नंबर 2, और कॉनकेव पॉलीगॉन में आएगा नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कितने डायगोनल होते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हमने आगे ही समझाया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर अगर हमने यहाँ पे ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया तो हम यहाँ पे दो डायगोनल बना सकते हैं, कहते 2। देन रेगुलर हेक्सागोन, चलो तो हेक्सागोन को अगर हम पकड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पॉइंट है, 6 वर्टाइजेस, 6 वर्टाइज और 6 साइज, आप जो भी बोलो। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई कितने डायगोनल होते हैं। तो ए पॉइंट से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो देखो ए से सी 1, 2 और 3, बी को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 4, 5, 6, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये तो हो गया है 7, 8, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 9, और बाकी सब में हो गया। दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल जो हो गए वो है 9। और ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता क्योंकि डायगोनल स्टार्टिंग होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटर से, 4 नंबर की साइड से। क्वेश्चन था व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होता है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था n-2 × 180, क्वाड्रिलेटर यानी नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी 4, 4 × -2 यानी 2, 2 × 180, दैट मींस वो हो जाएगा 360। नेक्स्ट, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। चलो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर नॉट कॉन्वेक्स के लिए। जैसे ये क्वाड्रिलेटर क्या हमारा बताया था, ये हम बना देते हैं नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के क्वाड्रिलेटर। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे तो दो ट्राइंगल हो जाएंगे, और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, इसका भी सम कितना होता है 180, तो 180 प्लस 180 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। स्टूडेंट्स दिस वे यहाँ पे भी सम 360 मिला, यहाँ पे भी सम 360 मिला, दस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन।
विद द नंबर ऑफ साइड्स इज 7, 8, 10 एंड n. तो पहले हम ये n को ही पकड़ते हैं. तो इफ द नंबर ऑफ साइड इज n, तो सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था हमने, n-2 × 180. ये हमने d वाला फर्स्ट कर दिया. अभी a को पकड़ते हैं, तो यही वाले फॉर्मूला हमें वैल्यू पुट कर देनी है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी दी हुई है हमें, 7. तो 7-2 × 180 ये हो जाएगा 5 × 180. तो 180 को हम अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900. यानी 7 साइड वाला कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा. बी में अगर ये सम देखे तो बी यानी कितनी साइड दी हुई है हमें, 8. तो 8-2 × 180 6 × 180. तो 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और ये 10. मतलब कि टोटल सम हमारा हो जाएगा 1080. एंड द सम सी, तो उसमें 10 है साइड, तो 10-2 × 180 यही वाले फॉर्मूला में n के बदले हमने क्या रख दिया, 10. तो ये हो जाएगा 8, सॉरी हाँ यहाँ पे हो जाएगा 8 × 180. तो 8 को 180 के साथ, 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और ये 0. ओके, इसमें ये सम हो जाएगा हमारा 1440. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन. मतलब ये साइड वाला 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसको क्या बोलेंगे. तो 3 साइड वाले को हम बोलते हैं पहले तो ट्राइंगल, वो तो हमें पता है. बट अगर वो रेगुलर हो तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल. फिर 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन हो, मतलब इसकी चारों साइड भी इक्वल और चारों एंगल भी इक्वल. यहाँ पे तीनों साइड भी इक्वल थी, तीनों एंगल भी इक्वल थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर. क्या बोलेंगे, स्क्वायर. और 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन. क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन. बिकॉज हेक्सागोन यानी 6 साइड्स और रेगुलर है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन. क्वेश्चन 6 में हमें 2 फिगर दी हुई है, इसमें हमें फाइंड करना है एक्स. तो पहले सबसे स्टूडेंट पहले देखेंगे कि यहाँ पे पहली फिगर जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी फिगर है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटर है. कौन है, क्वाड्रिलेटर. तो पहले उसका सम हमें पता चलना चाहिए, क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम. एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या फॉर्मूला था हमारा, n-2 × 180. अगर आपको डायरेक्टली पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. एन यानी 4, 4-2 यानी 2 × 180. इसके हिसाब से इसका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा. तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का इंटीरियर, ना इंटीरियर चारों एंगल का सम कितना होता है, 360. तो यहाँ पे कौन से इंटीरियर एंगल है, एक है एक्स, दूसरा है 50, देन 130, देन 120. ये सबका सम कितना आएगा, 360. अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 300. और 300 को 360 से में से माइनस करेंगे तो दिस वे हमारा x मिल जाएगा 60. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड फिगर में देखेंगे तो ये भी हमारा कौन सा है, क्वाड्रिलेटर है. पहले तो लिखना पड़ेगा 4 साइड, दैट मींस क्वाड्रिलेटर. और क्वाड्रिलेटर के सारे इंटीरियर एंगल का सम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होता है. यहाँ पे ही हमने देखा था. तो यहाँ पे कौन से, चलो यहाँ पे ये बाहर वाला जो एंगल है वो 90 है. बाहर वाला एंगल जो है वो 90 है, तो अंदर वाला एंगल भी कितना होगा, 90 होगा. क्योंकि ये क्या बन गई, लीनियर पेयर. तो स्टूडेंट लीनियर पेयर क्या होती है, जब एक लाइन में ऐसे बहुत सारे एंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पे तो अभी 2 ही एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर. और जो लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो सप्लीमेंट्री का मतलब तो आप आगे पढ़ चुके हो,
सम इज 180, जिसका सम सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। दूसरा आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, इंटीरियर एंगल प्लस, हेलो स्टूडेंट्स सॉरी लास्ट वीडियो में हमारा ये सम चल रहा था और नेट डिसकनेक्ट हो गया, तो हम यही वाले सम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल की हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये दोनों का सम ऑलवेज कितना होता है 180। याद रखना स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल यानी इक्वल टू 180, जिसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम नॉर्मली? लीनियर पेयर। अगर रीजन में लिखना है तो हम लीनियर पेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल 90 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। तो कौन से इंटीरियर एंगल है, एक एक्स, एक 70, एक 60 और एक 90। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 70 प्लस 60 प्लस 90, 70 प्लस 60 130 एंड 90 हो जाएगा 220। और 220 को 360 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा एक्स मिल जाएगा 140। ओके नेक्स्ट सम, पहले तो यहाँ पे फिगर देखो कितनी साइड है, साइड पहले काउंट करनी पड़ेगी या तो वर्टाइज काउंट करने पड़ेंगे आपको। तो वर्टाइज काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। या तो साइड काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। पांच साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। क्या बोलते हैं हम इसको, पेंटागन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटागन, क्योंकि पांच साइड है तो उसके लिए हमारा सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एन माइनस टू। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट आता है तो ये करने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस 2 यानी 3 इंटू 180 ये हो जाएगा 540। मतलब कि इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 540। तो यहाँ पे सारे इंटीरियर एंगल तो दिए ही नहीं है हमें, सारे इंटीरियर एंगल तो हमें यहाँ पे दिए ही नहीं है। चलो ये 30 है तो एक मैं लिख लेता हूँ 30, ये दूसरा वाला x है तो मैं ये लिख लेता हूँ x, फिर ये वाला x है तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ x। बट यहाँ पे जो 70 एंड 60 है वो एक्सटीरियर है। मान लो मैं इसको ले लेता हूँ a और इसको ले लेता हूँ b, तो क्या लिखेंगे हम, 70 और a, 70 यानी एक्सटीरियर, a यानी इंटीरियर, ये दोनों का एडिशन कितना होगा 180। सिमिलरली b एंड 60 का सम भी कितना होगा 180। दोनों के रीजन में हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर, या तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ए हमारा हो जाएगा 110 और यहाँ पे 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे तीन एंगल तो हमने लिखे थे, फिर ए और बी, तो ए यानी 110, बी यानी 120, ये हो जाएगा 540। क्लियर? चलो अभी हम सम करेंगे, x एंड x हो जाएगा 2x, फिर 30 प्लस 110 140 एंड 120 हो जाएगा 260। ओके नाउ 260 को क्या करेंगे, 540 में से हम इसको माइनस कर, तो हो गया हमारा 280 और इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 140। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट फिगर, कौन सा फिगर सेफ है, यहाँ पे पांच साइड है तो पांच साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। दूसरी बात, यहाँ पे सिंबल किया हुआ है हर एक साइड पर एक ऐसा सिंबल बनाया हुआ है, जैसे कि ये ऐसे। तो हम ऐसा सिंबल कब बनाते हैं, जब ये सारी साइड इक्वल हो, तो जितनी भी साइड इक्वल हो उसमें, तो यहाँ पे सारी साइड इक्वल है मतलब इसके सारे एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये वाला जो हमारा पेंटागन है वो पेंटागन हमारा हो गया रेगुलर पेंटागन।
क्या हो गया, रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल सेम होते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल एक्स है, इसका मतलब सारे एंगल एक्स होंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये सारे सब मिलके कितना हो जाएगा पेंटागन। यानी अभी यहाँ पे हमने देखा पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना होता है 540, तो 5x इज इक्वल टू 540, और 5 से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हर एक एंगल पेंटागोनल का हो जाएगा 108, क्या हो जाएगा 108। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट सम में हम देखेंगे यहाँ पे x x plus y plus z फाइंड करना है। तो पहले तो इतना तो लॉजिक लगना चाहिए कि यहाँ पे x y और z सारे एक्सटीरियर एंगल है। तो जब मैंने एक्सरसाइज के पहले आपको सिखाया था तब आपको बताया था कि भाई एक्सटीरियर में कोई भी गॉन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना आता है 360 ही होता है, चाहे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन। तो पहले तो हमें इसका आंसर मिल गया 360। यहाँ पे भी आप देखें कि x plus y plus z plus w, ये चारों एंगल एक्सटीरियर है, मतलब इसका भी चारों का सम कितना होगा 360 होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोला था x plus y plus z, और यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला था x plus y plus z plus w, बट हमने बिना कैलकुलेशन से इसको फाइंड कर लिया, बट कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे x एंड 90, x यानी एक्सटीरियर और 90 यानी इंटीरियर, तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम कितना होता है 180। रीजन में आप लिखो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180, या तो लिखेंगे लीनियर पेयर। ओके, इसकी वजह से x हमारा 90 माइनस हो जाएगा, तो x मिल गया मुझे 90। चलो सिमिलरली हम बात करते हैं z की, तो z एक्सटीरियर 30, इंटीरियर इसका सम हो जाएगा 180, उसके हिसाब से z हमारा हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। ओके, यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल इंटीरियर पॉइंट ले लेता हूं मैं p। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180, इसमें एक है 90, दूसरा है 30, और तीसरा जो कि हमने सपोज किया वो है पी इज इक्वल टू 180 होगा, इसका सम हो जाएगा 120। इसके हिसाब से हमारा पी कितना मिल गया 60। ओके, पिक्चर अभी बाकी है भाई, पी और वाई ये दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, P हमने फाइंड किया 60, तो Y मिल गया हमें 120। तो यहाँ पे मुझे X, Y and Z सब मिल गए, तो मैं लिखूंगा X plus Y plus Z is equal to X is 90 plus 150 plus 120, और ये चारों का सम, तीनों का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो सिमिलरली नेक्स्ट सम है हमारा बिल्कुल इसके जैसा, बट ट्राइंगल के बदले यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है। तो पहले तो हमें जो एंगल दिए हैं वो हम देख ले, W है, W के अंदर नहीं कोई दिया है, तो हम इसको पहले तो P लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं P। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटर इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360, क्योंकि चार साइड है, फॉर्मूला हमारा वो वाला रहेगा n माइनस 2 इंटू 180 वाला। तो सम इंटीरियर में कौन कौन है, एक 60, एक आएगा 80, एक आएगा 120, और एक जो कि हमने सपोज किया p, इन सब का प्लस कितना होगा 120 एंड 80 260 260 को माइनस करेंगे यानी P हमें मिल जाएगा 100। तो यहाँ पे P मिल गया 100। अभी ये तो ये P मिल गया 100, बट ये दोनों तो लीनियर पेयर है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये मिल जाएगा 80 आपको स्टूडेंट। ये भी आप लिखेंगे Z plus 60 is equal to 180, उसके हिसाब से Z आपको मिलेगा 120, फिर Y plus 80 आप लिखोगे
180, इसके वजह से आपको y मिलेगा 100 और x plus 120 is equal to 180, यानी आपको x मिलेगा 60. फिर अगर आप फाइंड करते हो x plus y plus z plus w, तो सबका प्लस x हमें मिला 60, y 100, z 120 एंड w is also 100. इन सब का प्लस करेंगे तो ये प्लस हमारा कितना हो जाएगा. सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है. क्या है, कौन से एक्सटीरियर एंगल है हमारे, x कितना है 60, ओके, y कितना है हमारा 100, ओके, ये 120, ओके, और ये 80 है. तो इन सब का प्लस हमारा हो जाएगा 360, ओके. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो गई कंप्लीट.